डिटरमिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। तो अब ये जो ग्राफ उन्होंने बनाया था, बाकी साइंटिस्ट ने याद है ऐसा बनाया था कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ी है तो एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइंस्टाइन ने इसको मैथमेटिकली बना के दिखाया। कैसे? आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखो, फोटोन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, इसकी जगह ई वी नॉट लिख सकते हो, ई को इससे डिवाइड कर दो। मेरे को ग्राफ किसका किसका बनाना है, वाई एक्सिस में कौन है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट, वी नॉट। एक्स एक्सिस में कौन है फ्रीक्वेंसी न्यू, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसको कंपेयर करो बाय वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन विद सम इंटरसेप्ट। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये स्लोप हो गई। तो स्लोप क्या आ गई ग्राफ की, एच अपॉन ई, तो ये क्या आ गई स्लोप। तो स्लोप ग्राफ की क्या आएगी, एच बाई ई। इसको प्लॉट करोगे तो ग्राफ ये बनेगा, और जिसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव बनेगा। तो मेडिकल के लोग देख लें, नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब यहां आके इसको कट करेगा माइनस डब्ल्यू नॉट बाय ई पे। क्लियर है यहां तक? तो ये से कट करेगा, ये ग्राफ है। तो यहां पर स्लोप किसकी, स्लोप वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी कर्व किसके इक्वल है, एच बाई ई। तो एच क्या होगा, ई को इससे क्या कर दें मल्टीप्लाई। तो एच क्या होगा, ई टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज टाइम स्लोप ऑफ वी नॉट फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो क्वेश्चन में स्लोप गिवन होगी, स्लोप को ई से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा। और ऐसे ही जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है वो कितना है, माइनस वर्क फंक्शन बाय ई। तो इंटरसेप्ट क्या है, माइनस वर्क फंक्शन बाय ई। तो वर्क फंक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड में, माइनस साइन को छोड़ो, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ई टाइम्स इंटरसेप्ट, क्योंकि वर्क फंक्शन नेगेटिव थोड़ी ना होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो वर्क फंक्शन और स्लोप से प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकलेगा क्लियर है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और हम देखेंगे न्यूमेरिकल में कैसे करने।